नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम छत पर बागवानी में। नेचर के बीच रहना किसे पसंद नहीं होता। हम सबको पसंद होता है नेचर के बीच थोड़ा समय बिताना, फिर चाहे वो ऊंचे पहाड़ हों, खूबसूरत वादियां हों, कलकल करती नदियां हों, पेड़ हों या फिर खूबसूरत फूल हों। और इन सब को हम अपनी थोड़ी सी मेहनत और क्रिएटिविटी से अपने घर में ही क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे। बॉन्साई आर्ट आजकल बहुत प्रचलित हो रहा है, पॉपुलर बहुत हो गया है, क्योंकि अब घर छोटे हो गए हैं, बाग बगीचे कम हो गए हैं। लोगों के पास में या तो छोटी सी छतें हैं या बालकनीज हैं, और फिर भी अपना शौक पूरा करना चाहते हैं, तो बॉन्साई आर्ट बहुत अच्छे से फिट होता है उस जगह में जहाँ पर आपकी जगह कम हो और आप खुद भी बड़े आर्टिस्टिक हैं। तो इस आर्ट में आपको जो पौधा है उसको वायर करके, प्रून करके, शेप करके आपकी जो अपनी नेचुरल आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ हैं वो पूरी होती हैं, आपकी जो शौक है वो पूरा होता है। तो इसलिए छोटी जगह की बागवानी मैं कहूँगी इसको, कि छोटी जगह की बागवानी कही जा सकती है और बहुत अच्छे से इस आर्ट को आप पूरा कर सकते हैं। रॉक प्लांटिंग एक बहुत खूबसूरत स्टाइल है, उसमें जैसे जब आप पहाड़ों पर जाते हैं तो आप देखते हैं रॉक्स भी हैं, पानी नहर है या पॉन्ड है, तालाब है, और वहाँ पर आपके जो पेड़ उग रहे हैं। तो हम जैसे नेचर को कॉपी करना चाहते हैं तो इसी तरह से हम वो पूरा सीन क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपका पत्थर होगा, यहाँ पे जो मैंने पॉट लिया है उसमें यहाँ पर इधर पानी भी आ जाएगा और पत्थर होगा, पौधा होगा, तो एक पूरा किस्म से एक प्राकृतिक दृश्य बन जाता है। इसलिए आजकल और भी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो आज मैं जो कंटेनर या जो पॉट ले रही हूँ, एज़ इट इज़ आप देखें तो बॉन्साई में शैलो पॉट्स जो कम गहरे पॉट्स होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। ये एक लंबी ट्रे है, इसमें जो एक इधर खांचा बना हुआ है इसमें छेक नहीं है और इधर छेक हैं, इसमें छेक हैं जहाँ पौधा लगेगा, क्योंकि जब आप पानी देते हैं तो पानी बह जाना चाहिए। और ये जो यहाँ पर बना हुआ है ये इतना एरिया, इसमें छेक नहीं है, इसमें पानी भरा जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये ट्रे जो हमने ली है हमें इसको तैयार करना है। तो इस तैयार करने के लिए हमें, हमारे पास में ये नायलॉन की नेट है, छोटे होल्स वाली है, और ये हमें जो हमारे पॉट के जो होल्स हैं उनके ऊपर इसको टिकाना है। उसके टिकाने के लिए हमारे पास में ये एल्यूमिनियम वायर्स हैं, वायर से उस नेट को सिक्योर करेंगे ताकि वो इधर उधर कहीं खिसके नहीं। तो अब हम ये दोनों नेट जो हमने काटी हैं चार होल्स पे लगाने के लिए, वो हम नेट लगा रहे हैं और उसको तार से सिक्योर कर रहे हैं। तो दोनों छेकों के अंदर हमने नेट के ऊपर से तार डाली है और फिर उसके बाद में नीचे लाकर और उसको नीचे से हमने वाइंड कर दिया है, नीचे से हमने उसको ऐसे मोड़ करके वाइंड कर दिया है। इसी तरह से दूसरे दो छेक भी हमने कर दिए। और अब ये आपका पॉट तैयार है, इसके ऊपर अब हम और चीज़ें डालेंगे। ये हमारे पास में कुछ मिट्टी के गमलों के टूटे हुए टुकड़े हैं जिनको हम ठीकरा बोलते हैं, पर ये जब गमले आपके कोई पुराना टूट जाता है या बदलते हैं तो उस गमले को अच्छे से धो लें, धो करके और फिर ये छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लें, और तोड़ के इनको कुछ एक दो दिन ज़रा सूरज में रखेंगे, सनलाइट में, तो ये अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें जो पुरानी मिट्टी होती है वो सारी वॉश आउट हो जाती है। अगर कोई बीमारी, अगर कोई कीड़ा कुछ भी उसके अंदर होता है तो हर चीज़ साफ़ लेनी चाहिए, तो इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे पहले आप छेकों में डालिए छोटे ठीकरे और उनको कवर कर लीजिए, होल्स को कवर कर लीजिए, और फिर सारी ट्रे में थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। बहुत नहीं भरना है क्योंकि ट्रे हमारी बहुत छोटी है, शैलो है, इसलिए इसको बस थोड़ा सा कवर करते हैं। और ये ठीकरे इसलिए डाले जाते हैं ताकि जो पानी है उसका ड्रेनेज ठीक रहे। अब ये हमने अपना मिट्टी का मिक्सचर बनाया हुआ है, सारी मिट्टी सोलराइज की गई है, जिसका मतलब ये है कि जैसे मई जून के महीने में जब बहुत तेज़ धूप होती है उस वक़्त आप गोबर की खाद, पुरानी गोबर की खाद और मिट्टी सब अलग अलग
ऐसी जगह डाल दीजिए जैसे छत पे खूब धूप आती हो और उसको पॉलिथीन से कवर कर दीजिए, तो वो सोलर अंदर इतनी उसके अंदर हीट पैदा हो जाती है कि उससे जितने अंदर कोई भी कीटाणु हो या कोई बीमारी हो वो नॉर्मली सब काफ़ी झुलस जाती है। तो ये सारी सॉइल सोलराइज है, इसमें पत्ती की खाद भी है, बहुत पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद भी है, और ड्रेनेज के लिए हमने इसके अंदर रेता डाली हुई है, वो भी धुली हुई और सुखाई हुई। प्रोग्राम में टाइम है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, आप बने रहिए हमारे साथ। रंगोली आपकी भावनाओं की आंगन की सहेली, नई सज धज के साथ। नमस्कार, आदाब, सलाम दोस्तों, रंगोली की सुरमई महफिल में मैं यानी सुरवीन आप सबका स्वागत करती हूँ। देखिए कार्यक्रम रंगोली हर शनिवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। क्योंकि हम रॉक प्लांटिंग कर रहे हैं इसलिए हमें पत्थर की भी ज़रूरत है। पत्थर ऐसा होना चाहिए जो कि स्मूथ नहीं हो, उसमें काफ़ी सारे खांचे हों, क्रेविसेज हों, छेक हो, जैसे पहाड़ों के पत्थर होते हैं। रिवर का रॉक ठीक नहीं रहता, जैसे जो कि जैसे हरिद्वार के पेबल्स होते हैं वो बिल्कुल गोल होते हैं, तो उसके ऊपर रॉक प्लांटिंग नहीं हो सकती। इसमें क्रेविसेज होने चाहिए, जितने क्रेविसेज होंगे, जितनी इसके अंदर लाइनें होंगी या उस उतना मतलब टेक्सचर्ड रॉक होना चाहिए, रफ रॉक होना चाहिए। अब आपका पत्थर सिलेक्ट हो गया, ये पत्थर मैं यूज़ कर रही हूँ रॉक प्लांटिंग में। प्लांट जब हम इसके ऊपर लगाएंगे तो उसको सिक्योर रखने के लिए, ताकि हवा में कहीं निकल ना जाए, उखड़ ना जाए, तो हम जहाँ पे भी हमें जगह मिलती है हम ये तारें वहाँ पे फिक्स कर लेते हैं। जैसे यहाँ से हम इधर एक छेक है और ये तार यहाँ निकाल ली हमने, तो ये हमारी तार यहाँ पर आ गई। इसी तरह से हमने जहाँ जहाँ हमें जगह मिली हमने ये सारी चारों तरफ से हमने तारें इसके अंदर फिक्स कर ली हैं। दूसरी बात ये है कि जब आप इसको टिकाएंगे ट्रे में, तो मिट्टी जो है इसके नीचे वो सारी, ताकि पत्थर जो है हिले नहीं और टिका रहे, डग डग नहीं होना चाहिए पत्थर, ये टिका रहना चाहिए, तो हमने मिट्टी इसके नीचे ऐसे दबा दी और फिक्स कर दी। अब ये बहुत सुंदर रॉक हमने ले लिया, इसके अंदर यहाँ पर गड्ढा है जिसके अंदर प्लांट लगाया जाएगा। अब हमें तीसरी चीज़ जो तैयार करनी है वो है हमारा प्लांट। अब हम रॉक के अंदर जो मिट्टी डालेंगे, पहले हमने ली थी ये वाली लूज मिट्टी जो नीचे डाली थी ट्रे में, अब हम लेंगे ये थोड़ा सा आटा टाइप का गूंधा हुआ मिट्टी, ये वही मिट्टी है, उसमें थोड़ी सी चिकनी मिट्टी और डली हुई है, और ये मिट्टी जो है हम यहाँ सारा अंदर इसके अंदर लगा देंगे। तो आप ये देखिए, जैसे क्योंकि ये यहाँ पे कैविटी है, इस कैविटी के अंदर और चारों तरफ हमें ये मिट्टी लगानी है, क्योंकि हमारा प्लांट इसी के अंदर उगेगा। यहाँ थोड़ा सा गड्ढा हम फिर भी रखेंगे ताकि यहाँ पर हमारा प्लांट आ जाए। अभी मिट्टी हमने कुछ कुछ लगा दी है, अगर और ज़रूरत होगी जब हम अपना प्लांट इसके ऊपर रखेंगे तब हम उसको और आगे लगा देंगे। हम सूखी मिट्टी इसलिए नहीं डालते क्योंकि इस पत्थर के अंदर इतने छेक हैं कि वो सारी सूखी मिट्टी निकल जाएगी, तो इसलिए ये गीली करके सानी जाती है मिट्टी। अब हमारा हमारी ट्रे और हमारा रॉक, ये दोनों तैयार हो गए हैं। अब जो हमने इसके ऊपर मेन हीरो जो लगाना है वो है हमारा प्लांट, तो वो बॉन्साई अब हम उसको तैयार करेंगे। तो हमने जो आज ये प्लांट लिया है इसका नाम, इसको कहते हैं चाइनीज़ एल्म। पत्ते बहुत छोटे हैं, एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए बॉन्साई बनाने में कि पत्ते जो हैं बहुत बड़े बड़े पत्ते नहीं होने चाहिए, जितने छोटे पत्ते होंगे, जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी उतना एक पेड़ का आकार दिखाई देता है। अब ये काफ़ी बड़ा हुआ है, तो इसकी हमें ये जो शाखाएँ हैं तो इनको अब हम काट के और इसको शेप में लाना भी पड़ता है, प्लांट को भी शेप में लाना पड़ता है, तो फिर हम इसकी थोड़ी कटिंग करते हैं। आप देख रहे हैं कैसे लंबी लंबी, ये बहुत लंबी आउट ऑफ शेप हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा काट के और इसको हम शेप में लाएंगे। कुछ कटिंग अभी करेंगे और कुछ कटिंग हम करेंगे जब इसको प्लांट को हम रॉक पे लगा देंगे, तब हमें और पता चल जाएगा
कि हमें और कितना काटना है। अब हमने कुछ ट्रिमिंग कर दी है इसकी, कुछ छटाई कर दी है, पर पेड़ को ठीक शेप में लाने के लिए हमें वायरिंग भी करनी पड़ती है, मतलब उसकी जो टहनियाँ हैं उनके ऊपर वायरिंग भी करनी पड़ती है। तो आप मुझे यहाँ पर ये दो टहनियाँ जो हैं, मुझे इनको थोड़ा नीचे लाना है, तो इसलिए मैं इनको वायर करूँगी। तो हमने ये वाली ब्रांच अभी वायर की है और उसको थोड़ा सा हम नीचे लेके आए हैं, बाकी हम पत्थर पे लगा के देखेंगे कि हमें और कितना नीचे करना है या ऊपर करना है, और भी कौन सी वायर करनी पड़ेगी हमें ब्रांच, वो हम देखेंगे जब हम इसको गमले में से निकाल के एक दफ़ा पत्थर पे टिका करके देखेंगे, फिर और वायरिंग की ज़रूरत होगी तो हम वायरिंग करेंगे। वायर जो हैं बहुत अलग अलग थिकनेस की होती है, आपको जितनी पतली ब्रांच है उसके हिसाब से देखना पड़ता है कि पतली ब्रांचेस में पतली वायर लगती है, और अगर आपकी आपकी इतनी कितनी स्ट्रेंथ लग रही है इसको मोड़ने में, और ब्रांच को मोड़ने में कितनी स्ट्रेंथ लग रही है, तो वायर को मोड़ने में थोड़ी ज़्यादा लगनी चाहिए ताकि वो जब आप वायर करेंगे तो वो ब्रांच उस जगह पे लगी रहे। बहुत मोटी लगाएंगे तो ब्रांच टूट जाएगी, इसलिए एक सही थिकनेस चाहिए होती है हर एक ब्रांच के लिए। अब हमारा पौधा तैयार हो गया, हमने इसकी ट्रिमिंग कर ली है कुछ हद तक, कुछ वायरिंग भी की है। अब हम इसको इस पॉट में से निकालेंगे। पॉट में निकालने का तरीका ऐसा होता है, इसको यहाँ से पकड़िए प्लांट को, ऐसे पकड़ के, और किसी भी हाई सरफेस पे, थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, टेबल हो, बेंच हो, वरांडा हो, उसकी थड़ी हो, या कोई ऊंचा गमला रख लीजिए सीमेंट का, और उसको ऐसे ऐसे करके चारों तरफ से ठक ठक करके, और ये प्लांट ऐसे निकल जाएगा। प्लांट को कभी गमले में से ऐसे नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि उसकी जड़ें हो सकता है नीचे होल में पहुँच गई हों या टूट भी सकती हैं। और जब आपको पता है कि आपने आज ये प्लांटिंग करनी है तो कम से कम एक या दो दिन पहले पानी देना बंद कर दीजिए। अब ये देखिए कैसे मिट्टी जो है इसकी चारों तरफ से जमी हुई है बिल्कुल, तो हम इसको हल्के हल्के से साइडों से निकालना शुरू करेंगे, साथ में जड़ें भी ऐसे ढीली कर देंगे। आप ऐसे थोड़ा चॉपस्टिक या बैम्बू स्टिक लेकर के वो भी तैयार कर सकते हैं, और आप ये चॉपस्टिक या कोई बांस की लकड़ी ऐसे बना करके, और इसकी जड़ें ऐसे ढीली, मिट्टी ढीली करनी है। ये प्लांट बहुत पुराना भी है और 2-3 साल से इसकी रिपॉटिंग नहीं हुई है, इसलिए आप देखेंगे कि इसकी जड़ें जो हैं ये गोल गोल ऐसे घूम रही हैं, जा रही हैं, तो ये सारी जड़ें हमें खींच के निकालना पड़ेगा। अब आप देखिए कि हमने इसकी मिट्टी काफ़ी कुछ झाड़ दी है, और कितनी जड़ें हैं जो ऐसे बाहर निकल गई हैं, और इनको अब हम उठा के काट देंगे और थोड़ा लंबा रखेंगे, क्योंकि हमें इनको पत्थर के ऊपर टिकाना है, तो हमें पता नहीं कि कितना लंबा हमें चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा लंबा ही रखेंगे इसको। और जितनी हम जड़ें ये जो कटेंगी, इनमें से नई जड़ें पतली वाली आ जाएंगी, और ये नई जड़ें जो निकलेंगी ये इस इनके एंड से निकलेंगी। अब हम इसे पानी में रख रहे हैं और इसकी जड़ों से मिट्टी निकाल रहे हैं और इसको धो रहे हैं। हमें मिट्टी थोड़ी और भरनी पड़ेगी। हमने इसी मिट्टी का ये पतला घोल बनाया हुआ है, तो हम इन जड़ों को पहले इनमें इस पानी में, मिट्टी वाले पानी में डुबो देंगे। अब ये इसमें हमने मिट्टी में भिगो दिया है, और अब हम इसको पत्थर पे लगाएंगे। अब हम इसे यहाँ पर सेट कर देंगे। अब जो जड़ें हैं उनको चारों तरफ पत्थर के जितना फैला सकते हैं उतना, उसके अंदर पत्थरों के क्रेविसेस के अंदर, उनके अंदर आप सेट कर दीजिए। अब हमने जो ये तारें बांधी हैं
ये तारे इसीलिए हैं कि हम इसको बांध सकें। अब हमारी मिट्टी इधर अगर कम पड़ गई है तो इधर इसको और फिलअप कर देंगे यही सनी हुई मिट्टी से, और जड़ों को भी इसके साथ में ऐसे चिपका देंगे और मिट्टी इसके अंदर लगा देंगे। तो सारा हम ऐसे चिपकाते रहेंगे, इसलिए जो ये आटा सना हुआ है ये काफ़ी सारा सानी है। और जो जड़ें हैं जो अब ऊपर भी हैं उनको भी सारा अभी फ़िलहाल मिट्टी से कवर कर देना चाहिए। ये जैसे देखिए यहाँ पर ये खाली है, इसलिए इसको हम यहाँ पर मिट्टी से भर देंगे। हमने जो ये वायर्स बांधी थी अब इनका काम है कि हम इनको पेड़ के पास ला कर के और इसको ऐसे बांध दें, तो इससे पेड़ अच्छे से सिक्योर हो जाएगा और हिलेगा नहीं। हवा से और भी, आप घर में अगर कोई पेट है या आपका अपना ही कोई कपड़ा अटक जाता है, गिर जाता है, तो ये सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ये तारें काम आती हैं। बाद में एक बार जब ये पौधा 6 महीने में 8 महीने में जब ये पौधा टिक जाएगा, इसके ऊपर सब मट्टी वट्टी सब अच्छे से इसके ऊपर जम जाएगी, तब हम ये तारें निकाल देंगे। तो अभी तो ये तारें दिखाई देंगी आपको। पेड़ पत्थर के ऊपर बिल्कुल सेट हो गया है, फर्म भी है। और अगर अब आपने कुछ ट्रिमिंग करनी है और ट्रिमिंग की ज़रूरत है तो इस वक्त कर सकते हैं। वायरिंग करना ज़रा मुश्किल है क्योंकि हमने इसको इसके ऊपर टिका दिया, वायरिंग में थोड़ा ज़्यादा ज़ोर लगता है तो हिलने का डर हो जाता है। अब क्योंकि कुछ जड़ें सिर्फ यहाँ तक आई हुई हैं नीचे तक इतना, तो अब इन जड़ों के लिए भी हमें थोड़ी मिट्टी और डालनी पड़ेगी। पत्थर के पास पास थोड़ी सी मिट्टी और डाल दीजिए ताकि जो जड़ों के एंड्स हैं, जो उनका सिरा है, वो मिट्टी के नीचे ही होना चाहिए। अगर मिट्टी के ऊपर हुआ और खुला हुआ तो वो जड़ वहाँ से सूख जाती है, तो उसको मिट्टी की ज़रूरत है वहाँ से न्यूट्रिशन लेने की और पौधे तक पहुँचाने की। तो इस खूबसूरत लाइव आर्ट के बारे में अभी और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो जानना बाकी है, बताएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। रफ्तार के साथ मौसम के बदलाव की हर खबर, मौसम खबर लाइव देखिए सुबह 8 बजे और 10 बजे, दोपहर 12 बजे और 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है छत पर बागवानी में। इस लाइव आर्ट को और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा यूनिक बनाने के लिए कुछ ऐसे टिप्स हैं जो कि जानना बेहद ज़रूरी है, तो आइए उनके बारे में भी जानकारी लें। अब ये हमारा पौधा तैयार है, पर अभी हम इसके ऊपर एक जादू करने वाले हैं। ये ग्रीन मॉस है जो आप देखेंगे बरसातों में, कई दफ़ा सर्दियों में भी जब बारिशें होती हैं तो ये ईंटों के ऊपर, आपके गमलों के ऊपर ये जम जाती है। तो ये ग्रीन मॉस हम लगाते हैं तो एकदम से प्लांट बहुत सुंदर और बड़ा पुराना और ऐसे लगता है जैसे घास उगी हुई है, बहुत नेचुरल लगने लग जाता है। मॉस लगाने से पहले इसे थोड़ा सा फुवारे से गीला कर लेना चाहिए मिट्टी को। अब ये जो हमने पतला घोल मिट्टी का बनाया था उसमें ये जो मॉस के टुकड़े हैं हम इनको भिगोएंगे। तो अब हमने इसको इसके अंदर भिगो लिया है और फिर हम इसको आराम से बहुत ध्यान से एहतियात से जहाँ जहाँ मिट्टी है वहाँ वहाँ चिपका देंगे। Thank you.
जैसे पहाड़ों पे जहाँ रॉक्स होते हैं, जहाँ पत्थर होते हैं, वहाँ पे सिर्फ बड़े रॉक्स नहीं होते, छोटे छोटे उनके टुकड़े भी होते हैं जो कि वेदर होकर के आ जाते हैं। सो हम इसको और नेचुरल लुक देने के लिए इसमें जैसे कि सिर्फ पत्थर ही नहीं है, एक अकेला पत्थर नहीं है, बट उसके साथ में उसका जो टूट टूट के पहाड़ों पर जैसे हो जाता है जब रॉक्स टूटते हैं, तो छोटे बड़े सभी किस्म के पीसेस मिलते हैं। तो ये हम थोड़ी सी नेचुरल लुक और देने के लिए इसमें ये बारीक जो पत्थर हैं, रोड़ी जो है, हम इसे डाल देते हैं। और इसका अब हमें ख्याल करना है, पानी देना, मिट्टी यहाँ से ऊपर से बह ना जाए, इसलिए जैसे अभी फुहारे से दी थी उसी तरीके से पानी दीजिए इस पर। सुखाना नहीं है, थोड़ा छाया में रखना पड़ेगा। जब आप पौधा कंप्लीट करते हैं, अपना नया पौधा लगाते हैं, तो उसको पहले छाया में रखते हैं, और जब आप देखें कि वो सेट हो गया, वो कैसे पता चलता है, उसमें नई पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो जब नई पत्तियां निकलनी शुरू हो जाती हैं, इसका मतलब आपका प्लांट खुश है, और जिस मिट्टी में है और जो जहाँ लगा हुआ है, अब वो बढ़ने लग गया, उसकी रूट्स और बढ़ने लगे, तो नीचे रूट्स उगने लगेंगी और ऊपर ब्रांचेस और नई आने लगेंगी, टहनियाँ और आने लगेंगी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, अगर और सीज़न बिल्कुल सही सीज़न होना चाहिए, या तो बरसात में करिए या स्प्रिंग टाइम में करिए। इसको 15 दिन 20 दिन इसको आप छाया में रखो, इसको पानी दीजिए, इसका ख्याल रखिए, तो जब ये नए पत्ते आने लग जाएंगे तब आप धीरे धीरे इसको धूप में ला सकते हैं, और पानी का बिल्कुल बहुत ख्याल रखिए। अब इसमें आप पानी भर दीजिए, तो ये आपका पॉन्ड या वाटर बॉडी हो गई, और प्लांट को, रॉक को अच्छी तरह से धो दीजिए इसको। अब ये हमारा एकदम नेचुरल रॉक प्लांटिंग बन गया है। इसमें आप देख रहे हैं जैसे क्लिफ निकली हुई है बाहर, नीचे जैसे समुंदर हो या पॉन्ड हो, उसके ऊपर से पहाड़ की क्लिफ निकली हुई है, और उसके ऊपर एक ये पेड़ उग रहा है। तो ये एक नेचुरल लुक देने की कोशिश की गई है इसमें। यूँ तो बहुत से गार्डन लवर्स ऐसे हैं जो कि बॉन्साई बनाते हैं, लेकिन रॉक पर बॉन्साई बनाने के इस यूनिक आर्ट को भी आज हमने जाना। हम उम्मीद करेंगे कि आप भी इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो हमारे आज के छत पर बागवानी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।